पहले भी उसके साथ काम किया, तो एक वो कंफर्टेबल जोन हो गया है. और काम जब किसी के साथ कर लेते हैं तो हम उसको अच्छे से जान लेते हैं, तो इतना ज़्यादा कंफर्टेबल हो गए वो निशांत के साथ कि मतलब बहुत मज़ा आया काम करके. और प्रोड्यूसर ये भी हैं और वो भी हैं, दोनों प्रोड्यूसर हैं, इनका चैनल है. और मुझे बहुत खुशी हुई इनके साथ काम करके, ये बहुत अच्छे इंसान है. और गाना तो माशाल्लाह बहुत प्यारा सॉन्ग था, मैंने तो सुनते ही हाँ बोल दिया. इसके साथ ही 4 मिलियन भी आपका क्रॉस कर गया इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स और ब्लू टिक भी आया, तो उस बात को लेकर कितनी खुशी मिली आपको? बहुत, आई वॉज सो हैप्पी. आज मैं जैसे ही सो के उठी तो मैंने ब्लू टिक देखा और सच में मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ब्लू टिक है. मुझे लगा कि नहीं नहीं मुझे ऐसे ही इल्यूजन हो रहा है, ब्लू टिक नहीं हुआ. लेकिन जब सबके मैसेज आने शुरू हुए तो आई वॉज लाइक, ये मुझे लग रहा है मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है कि आज 4.5 मिलियन हुए हैं, ब्लू टिक हुआ है, गाना आया है और सब लोग आए हैं यहाँ पे, इतनी खुशी हो रही है. तो ये कहना चाहूँगा कि ये संघर्ष कितना मुश्किल भरा रहा, क्योंकि इतना आसान नहीं होता है इस मुकाम तक पहुँचना. ब्लू टिक के लिए आज हर कोई प्रयास करता है लेकिन मिलता नहीं, उसके बारे में बताइए. बहुत ऐसा नहीं है एकदम आ गया ब्लू टिक, बहुत ट्राई हुआ है, बहुत सालों से मैं ट्राई कर रही थी, मैंने बहुत मेहनत की है, सब मेहनत करते हैं ऐसा नहीं है. पर मैं कभी डिप्रेशन में नहीं रही, मेरी जर्नी हमेशा बहुत ब्यूटीफुल रही है और मैंने हर मोमेंट को एंजॉय किया जिंदगी के, चाहे वो सैड मोमेंट हो या वो हैपनिंग हो या कोई, जैसे आज है तो आज मैं बहुत खुश हूँ, तो मुझे कभी ऐसी कंप्लेन नहीं है किसी भी चीज़ से. आई वॉज हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई विल बी हैप्पी. सर आप सुनना क्या कहना चाहेंगे खुशबू के बारे में? और शान सर हैं इस गाने को गाया है, साथ में जो गायिका हैं उनका भी अच्छा बैकग्राउंड है, शादी बारिश से मतलब उनका है रिलेशन, क्या कहते हैं बेटी हैं, तो व्हाट यू से. मेरी फर्स्ट मीटिंग जब खुशबू से हुई तो हमारे जो कास्टिंग डायरेक्टर हैं मनोज साहब, तो उन्होंने मुझे मुलाकात कराई. तो जैसे मैं खुशबू से मिला तो हम लोग, हमारे डायरेक्टर साहब भी साथ में, इमरान खान, तो पहली मीटिंग के अंदर मैंने उसी वक्त डन किया खुशबू को, मैंने कहा यही चीज़ है, फाइनल करते हैं. और इसी के साथ साथ एक हैंडसम बॉय निकलता है गाड़ी से, असीम अमरोही, मेरे ताल्लुक अभी बहुत जल्दी कैमरे के आगे आएंगे, नहीं तो आना ही होगा, वसीम अमरोही साहब जो ऑलमोस्ट इतना काम कर चुके हैं इंडस्ट्री में, तो मेरे बहुत पुराने पुराने दोस्त हैं और एक काफ़ी अरसे से हमारी जान पहचान है. और वसीम भाई, जैसे मुलाकात हुई वसीम भाई ने कहा कि शबाब ये है, मैंने कहा भाई ऐसा ऐसा कर रहा हूँ, तो इसके अंदर इतना मेरे साथ वो जुड़े और मुझे एक जैसे बड़ा भाई, एक राइट हैंड, कहले शबाब मैं आपके साथ इस प्रोजेक्ट में हूँ और किसी बात से नहीं, इस प्रोजेक्ट को हम आगे लेके चलेंगे. मैं थैंक यू सो मच, क्योंकि मेरे पास बुनियाद इतनी तकड़ी थी जो ऑडियो लेबल है. आज जितने यूट्यूबर सॉन्ग आ रहे हैं सब लोग सुन रहे हैं, मेरा पहला सॉन्ग आया था दिल तोड़ गई, जो लेजेंड सोनू निगम, पद्मश्री, पद्म भूषण सोनू जी ने गाया. उसके बाद सेकेंड ऑप्शन शान का ये आया, तो जैसे मैंने खुशबू को सुनाया गाना, खुशबू ने टेबल पे कहें सर ओके ये गाना मैं कर रही हूँ, तो इस तरीके से सिलसिला बढ़ता गया और ये गाना आज हम आपके रूप बढ़ो. सो भाई मैडम का इंस्टाग्राम पे ब्लू टिक हो गया, कितना आज ग्रेट में सबके लिए बहुत जरूरी है सेलिब्रिटी के खास में ब्लू टिक होना, इंस्टाग्राम पे कुछ कह रहे थे? बहुत बड़ी बात है ये, क्योंकि आज तक मेरा नहीं हुआ है. कुछ नहीं जानता इस चीज में बिल्कुल भी, मेरे सारे आप लोग सब सुबह तक आपका हो जाएगा. अरे लव यू मेरी जान, ये क्या है कि मैं इनको देखता हूँ, इन्होंने जो एक, क्योंकि आजकल का जो कल्चर हो चुका है जिस तरह से लोग इन चीजों पे, हमने कभी इन चीजों को ध्यान नहीं दिया, कभी ये नहीं किया. माशाल्लाह ये देखिए आज ही के दिन ये ब्लू टिक भी है और आज ही के दिन इनका इतना बड़ा सॉन्ग आया, तो इसके बड़ी हमने वहाँ शूट किया था इसको, तो थोड़ा सा हमें गॉड का गिफ्ट जैसा बोलते हैं, अल्लाह का गिफ्ट मिल गया वहाँ पर, बारिश हो गई, इसलिए हमें 15 दिन वेट करना पड़ा वहाँ पे बारिश के लिए. हमने 15 दिन तो 17 दिन आप पकड़ लीजिए, 2 दिन में शूट किया हमने. शूट बहुत डिफिकल्ट था, बहुत आसान शूट नहीं था. शूट ऐसा था कि वहाँ जो पत्थर थे ना वो स्लिपरी थे और सबके चोट लगे, सबके खून निकला है इस गाने को, सबने खून दिया है. गिर भी गए थे वहाँ पर,
सब लोग स्लिप हुए हैं, बारिश थी और मेकअप मेरा धुल गया था, बिना मेकअप के दिख रही हूँ कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं। दिनेश भाई आप क्या कहेंगे कास्टिंग जो हुई है? ये इसको मैं खान कुमारी बोलता हूँ, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा कि ये नॉनवेज दिखाती है, खान है बोलता हूँ खान कुमारी, इसको विश्वास नहीं हुआ ब्लूटिक हो गया, जब तक मैंने नहीं बताया तब ब्लूटिक हो गया। मैं सुबह फोन किया उसको मुबारकबाद दी, फिर शाम को आना था मैं आ गया मुबारकबाद। इस एल्बम के बताइए कास्टिंग जो भी है आपका कितना कोऑपरेशन रहा है? मेरा कुछ नहीं है, ये नूर सिद्दीकी जी कास्टिंग डायरेक्टर है, निशान पिछले गाने में काम किया था मेरे साथ में, वो सिलसिला है, बाकी नूर जी रमेश के सूत्रधार है, खुशबू लाने वाले सब करने वाले। नूर भाई कैसा है आपको लगा कि नूर कास्टिंग करना चाहिए? क्या बोलूं, खुशबू के तो मैं 4 साल जानता हूं, लेकिन ऐसा गाना मिला है जो उसको लाइफ टाइम तक याद रहेगा, ये वाला गाना, बिकॉज ऑफ उसका इंस्टाग्राम भी देखा हुआ है। मैं कह रहा हूं मैं बहुत बड़ा फैन हूं, मैंने कुछ दिन पहले मिला, मैंने इनके घर में मुझे मौका मिला वसीम भाई के, उनके गाने सुनने का, इसे लीजिए आप खुद, बैंड इनका गाना है, मतलब यही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। बेस्ट ऑफ नूर भाई, तो खुशबू के लिए एक लाइन कहना चाहता हूं, मैंने बहुत आर्टिस्ट के साथ काम किया, खुशबू को मैंने क्या है ना मेरे सामने क्या है ग्रो करते हुए देखा मैंने, मतलब बहुत मेहनती लड़की है वो, एक बहुत ही महालेखक ने एक बात लिखी है, कुछ ही होते हैं ऐसे लोग जो बूंदों से समंदर बन जाते हैं और जिंदगी से लड़ते लड़ते सिकंदर बन जाते हैं। नूर 4 साल से मेरा दोस्त है, लेकिन मैंने ही कभी इसको बोला नहीं कि मुझे काम करना है, क्योंकि मैं समझती थी कि पता नहीं मैं कैसे बोलूं कि मुझे काम दिला दो, लेकिन नूर का बड़प्पन है, उन्होंने मुझे इनसे इंट्रोडक्शन कराया, उन्होंने मुझे काम दिया और हमेशा नूर सपोर्टिव रहा, हमेशा दिनेश जी सपोर्टिव रहे, मतलब ये मेरे दो पिलर हैं जो खड़े हैं, फैमिली में तो फैमिली बन चुके हैं। हां फैमिली ऑफ कोर्स। सुना भाई एक अंतरा जरा गाने का, गाने का इतना सुना है आपने, मैं तो बस एक ही चीज कहूंगा कि सब लोग मिलके गाएंगे। यस यस या नैनो ने तेरे मुझको, नैनो ने तेरे मुझसे मेरे दिल को बदल लिया, ये बात सुनिए ना, सॉरी शान सर सॉरी। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूं थैंक्स शान भाई का, जो एक्चुअली इसकी भी एक मैं आपको स्टोरी सुनाता हूं कि जब ये गाना हुआ तो शान भाई कहीं बाहर कंट्री में जा रहे थे, हां तो जा रहे थे, तो बोले शबाब ऐसा ऐसा है मैं आ जाऊं, फिर वहां का तो आ गया, तो फिर ये 2-3 महीने को गया ऐसा ऐसा, तो कहने के लिए मैं 1 हफ्ते में आ रहा हूं और फिर कर देता हूं, नहीं तो मुझे अपनी मेल आईडी दीजिए और मैं आपको सिर्फ स्क्रैच भेज रहा हूं, आप सुन लो गाना, लिरिक्स ये वो। मैंने कहा अच्छा, तो मैं लास्ट सॉन्ग जो मेरा दिल तोड़ के सोनू भाई वाला सॉन्ग था उसकी एडिटिंग पे था, वो भी नूर ने कास्ट की, नूर के लिए जोरदार ताली। वो भी कास्ट नूर ने की थी और इमरान ने डायरेक्शन किया था। उसके बाद क्या हुआ, मैं उस गाने की एडिटिंग के लिए जा रहा हूँ और 1 घंटे बाद शान भाई का कॉल आया, हेलो शबाब, मैंने कहा मेल चेक कर, मैंने गाना डाल दिया। क्या बात, तो ये सबसे बड़ा होगा, मैं थैंक्स बोलूंगा शान भाई ने किया। फिर मेरी भतीजी मुस्कान, जिसके आपने बहुत गाने सुने, मेरे आइडल साजिद भाई सर, उनकी बेटी है साजिद सर की, मुस्कान ने बहुत अच्छा गाया। और खुशबू और निशान की क्या तारीफ करूं, क्योंकि वो पर्दे पे आप लोगों को सब दिख रहा है क्या गाना ग्रो कर रहा है। और इसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि मेरा बड़ा बेटा रमीज, और लास्ट सॉन्ग इसने किया था, और मेरा छोटा बेटा सुहेल वो मुझे असिस्ट कर रहा है और बहुत अच्छा कंपोजर बनेगा इंशाल्लाह, आप लोगों को जाएंगे। और ये दोनों गाने रमीज ने, ये भी प्रोग्रामिंग रमीज ने किया है एंड मिक्स मास्टर भी रमीज ने किया है, यानी कि 16 साल की उम्र में ये क्या बोलते हैं सो यंग टैलेंट, क्या हाँ वो जो है वो चीज ये आज 16 साल की उम्र में कर रहा है, जो मिक्स मास्टर बड़े बड़े लोग बड़ी एज में जाके सीखते हैं, ये बस आप लोगों की दुआओं का असर है जो मेरे बेटे ने। आखिर बेटा किसका है शान जी का, आपने पहला बार कब बोल दिया गाना, क्या कुछ गाना चाहेंगे शान जी के? फर्स्टली ये सॉन्ग है, फर्स्टली मैंने इसके लिए जब म्यूजिक प्रोड्यूस किया सो जब डैडी ने टिप्स दी कि इसको ऐसे डिजाइन करना है, तो जैसे कि डैडी ने गाया स्क्रैच के तौर पे, इन्होंने मुझे बताया कि लाइक नए साउंड यूज करना है एंड ऑल मिक्स एंड ऑल, तो जब शान भाई की आवाज है इसमें
सो आई गॉट टू नो कि लाइक एक सॉन्ग को ग्लो मिल गया एंड द वीडियो इज सुपर्ब सो सुपर हिट सॉन्ग. आज शान जी को कितना मिस कर रहा है, नहीं पहुंचे, क्या वजह है? एक्चुअली शान भाई थोड़ा बिजी हैं अपने एक न्यू चैनल शो के लिए, टीवी शो के लिए, तो उसमें बिजी हैं. हमने वसीम भाई ने बात की थी आज शाम से, उनसे बात हुई. थोड़ा निशांत भी नहीं है, वो भी कहीं बिजी हैं, और अपना शान सर का भी रहा, मुस्कान भी कहीं बिजी, क्योंकि हमारे जो प्रोड्यूसर साहब हैं उन्होंने एक घंटे पहले ही सब आपको भी इकट्ठा कर दिया, हमें भी इकट्ठा कर दिया. अभी बज गए 12 और हम लोग 11 बजे से यहाँ हैं और 10 बजे कॉल आया है कि घंटे. आई हैव बीन गेटिंग कॉल्स फ्रॉम मीडिया फ्रॉम कसीम एंड एवरीबॉडी दैट सॉन्ग इज कमिंग एंड वी वांट टू टेक इंटरव्यूज फॉर टीम एंड एवरीथिंग. सो ऑल ऑफ द सडन वी डिसाइडेड दैट वी आर डूइंग दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस एंड देन आई कॉल्ड होल टीम इंक्लूडिंग निशांत एंड एवरीबॉडी. मेजरली वी आर हियर and some of them is behind the camera. So I'm really thankful, but this is 1 hour and I want to thank Kasim also that and we all want I can see so many camera, so many media. सब लोग पहुंच गए. एल्बम के बारे में यही बोलना चाहूंगी, बहुत अच्छा गाना है आप सबके लिए, और सब लोग रील्स बनाइए, खुशबू को टैग कीजिए, कितनी ब्यूटीफुल आपने देखा ही है और गाने में तो माशाल्लाह और बहुत अच्छी लग रही है. और अभी तो ये कुछ भी नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे गाने आएंगे, आप सब लोग इसी तरह बने रहे हमारे पास. एक और प्लानिंग चल रही है, बहुत अच्छा सॉन्ग आने वाला है एक और उसका शूट हुआ नहीं, हम प्लानिंग कर रहे हैं अभी 2-4 दिन में, वो भी निशांत के साथ है, उसके प्रोड्यूसर यही बैठे हुए हैं जो आने रहे कैमरे के सामने, और बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग है. इसके अलावा मुक्कू और जो डीजे फ्लो वाले सॉन्ग है वो नेक्स्ट मंथ आएंगे, बिकॉज मूसा वाला जी की डेथ हुई तो इन्होंने थोड़ा आगे कर दिया. बाकी इमरान अब्बास वाला भी आएगा, वो भी नेक्स्ट मंथ. सर आपसे पूछूंगा आपका क्या प्रोजेक्ट्स वगैरह स्टूडेंट रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस, थैंक यू फॉर ब्यूटीक एंड इतना अच्छा सॉन्ग आया है उसके लिए. और मैंने पिछले इंटरव्यू में भी कहा था कि बहुत स्पीड में ऊपर जाएंगे और आप देख रहे हो बहुत ही स्पीड है, बहुत और ऊपर जाएंगे. बाकी दुआएं हैं, इतने प्यारे प्यारे दोस्त मेरे साथ हैं तो बस सब जाएंगे, हम सब जाएंगे इंशाल्लाह. चलो 100-100 ले लेते हैं दिनेश भाई, आप बोल दो जाके 100-100 ले लेते हैं. खुशबू हमेशा की तरह बड़ी खूबसूरत दिख रही है, गाना बहुत अच्छा है, म्यूजिक है रमीज साबरी का एंड वसीम भाई इसमें कॉम्पोजिटर है, सारी टीम जाके पिछड़ रही है और बड़ा अच्छा काम करती है. ये गाना काफी स्पीड से यूट्यूब पे व्यूज पकड़ रहा है, आई एम वेरी हैप्पी. खुशबू इज वेरी ब्यूटीफुल, गुड एक्टर, गुड एक्टिंग, निशांत इज ऑलवेज अमेजिंग, गुड पेयर, ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, ओवरऑल पैकेज. Thanks. सर इस म्यूजिक वीडियो का हम क्या कहना चाहेंगे और खुशबू जी के बारे में और आगे एक डायरेक्ट शायद करने वाले हैं आप, इनके साथ कोई बताइए उसके बारे में. या वो तो बातें बात करेंगे कि क्या आगे होने वाला है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ये गाना देखा, सो आई थिंक ये गाने को बनने के लिए एक अच्छे लिरिक्स कंपोजिशन सिंगिंग मतलब अच्छा ऑडियो अच्छा वीडियो ना बहुत जरूरी है, कंप्लीट पूरा पैकेज था. खुशबू ने कितना अच्छा एक्ट किया, वो सुंदर लग रही है ना उनका पूरा उस तरफ से अटायर लोकेशन एंड बहुत अच्छा मुझे लगा अकेला, इट्स अ पैकेज कंप्लीट पैकेज. एंड जैसे कि भाई वसीम जी ने बनाया इनको मिलके, शमाब साबी जी हैं साथ में, शान है इतने बड़े, तो एक जब कंबाइंड पैकेज मिलता है, अच्छे अच्छे लोग मिलते हैं, पॉजिटिव भाई बातें, तो ये गाना अच्छा ही लगता है. थैंक यू.